अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम बैक स्टूडेंट क्लास फर्स्ट। आई होप यू ऑल आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स काइंडली ओपन पेज नंबर 79। देयर इज वन एक्सरसाइज व्हिच आई हैव गिवन ऑन अ लास्ट टर्न इन होमवर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द एक्सरसाइज एंड देन वी विल डू द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ आवर यूनिट। हाउ डू वी हियर सर्किल योर आंसर। हमें आंसर्स अपने सर्किल करने हैं। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। साउंड ट्रेवल्स इन टू आर आइज। साउंड हमारी आइज में आती है या ईयर्स में आती है। इसमें आइज लिखा हुआ है तो इट्स ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। टू ईयर्स हेल्प अस टू हेयर बेटर देन वन। हमारी दो ईयर्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं सुनने में। येस इट्स ट्रू। सर्किल ट्रू। एंड द लास्ट इज यूजिंग आर आइज एंड ईयर्स हेल्प अस टू क्रॉस द रोड सेफली। हमें जब रोड क्रॉस करते हैं तो हमारी आईज़ और ईयर्स दोनों का ही यूज़ सेफली क्रॉस कराता है रोड। यस इट्स ट्रू। सर्किल ट्रू। आई होप यू ऑल हैव डन दिस। नाउ मूविंग फर्दर ऑन पेज नंबर 80। टॉकिंग एंड लिसनिंग। एनिमल्स मेक साउंड्स फॉर लॉट्स ऑफ रीज़न। एनिमल्स साउंड्स निकालते हैं अलग अलग रीजन्स के लिए। हेयर आर सम ऑफ द रीजन्स। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं। You all have to look at the picture and find out the reason why they are talking or making sounds. ठीक है। So the first is two dash of danger. Danger से क्या करने के लिए। Warn, pass on or frighten. Take the help of word bank. आप word bank की help लेकर यहाँ पे fill कर सकते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट एनिमल जो हैं ये क्यों साउंड्स निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं। टू पास ऑन। नो। टू वॉर्न ऑफ डेंजर। डेंजर को वॉर्न करने के लिए कि यहाँ पे डेंजर है, खतरा है। सो राइट डाउन वॉर्न इन अ फर्स्ट ब्रांड WARN। यू ऑल कैन टेक द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। नाउ नेक्स्ट पिक्चर टू डैश अदर एनिमल्स। टू पास ऑन और फ्राइटन। सो राइट डाउन फ्राइटन इन अ नेक्स्ट ब्लैंक। फ्राइटन लिखना है सबको। FRIGHTEN फ्राइटन। टू फ्राइटन अदर एनिमल्स। डराने के लिए दूसरे एनिमल्स को ये अपनी साउंड्स निकालता है। एंड द लास्ट टू डैश इंफॉर्मेशन। टू पास ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पास करने के लिए बर्ड्स अपनी साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, निकालती हैं। समझ में आ रहा है। सो द फर्स्ट इज वॉर्न, सेकेंड इज फ्राइटन एंड द लास्ट इज पास ऑन। आई होप यू ऑल हैव डन दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81। साउंड्स एंड मूविंग अबाउट। दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज। एम्बुलेंस हैव सायरेंस। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एम्बुलेंस के ऊपर सायरेंस लगे होते हैं ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। दैट वी नीड दैट देयर इज अ एमरजेंसी, वी नीड हेल्प। तो विच एम्बुलेंस साउंड्स लाउड एंड विच वन साउंड्स क्वाइट। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सी क्वाइट साउंड प्रोड्यूस करेगी और कौन सी लाउड साउंड। हाँ, तो फर्स्ट वन इज ऑफ क्वाइट। राइट डाउन क्वाइट इन अ फर्स्ट पिक्चर ए पार्ट एंड सेकेंड बी पार्ट। राइट डाउन लाउड QUIET क्वाइट इन अ फर्स्ट पिक्चर एंड LOUD लाउड लाउड इन अ सेकेंड पिक्चर। ठीक है, ऑल हैव डन। नाउ ऑन द सेम पेज देयर इज वन मोर एक्सरसाइज at the bottom of the page. This is the last exercise of your today's video and of your chapter also, unit also. Comparing sounds. Which two senses are most important? कौन से सेंस सबसे ज़्यादा important हैं when we cross the road, जब हम अपनी road cross करते हैं। ठीक है, tick the correct sense. Smell, taste, hearing, touch, seeing. सो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कौन से दो सेंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जब हम रोड क्रॉस करते हैं। यस वेरी गुड, हियरिंग एंड सीइंग। टू सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ईयर एंड आईज। सो टेक हियरिंग एंड सीइंग, सी पार्ट एंड ई पार्ट। आई होप यू ऑल हैव डन these exercises in your book. So student, try to learn the exercise and do it in your book.
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।